नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उस्ताद पर। मेरा नाम है जावेद और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे Realme Narzo 30 के डिस्प्ले का ग्लास चेंज किया जाता है। अगर डिस्प्ले का ग्लास टूट जाए, टच और डिस्प्ले आपकी सही वर्क करे ग्लास टूट जाने के बाद, तो कैसे टूटे हुए ग्लास को निकाल कर सेम उसी ओरिजिनल डिस्प्ले पर ओरिजिनल ग्लास लगाया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है स्पेशल होने वाली है, क्योंकि YouTube के ऊपर Narzo 30 ग्लास रिप्लेसमेंट की ये पहली वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं पीछे से। हीट करने के बाद इसके बैक पैनल को हम रिमूव करेंगे। तो बैक पैनल को हीट करके निकालने के लिए इसमें हम 90-100 डिग्री टेम्परेचर रख सकते हैं, सिर्फ बैक पैनल को निकालने के लिए। बाकी डिस्प्ले को निकालने के लिए इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री लास्ट होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम जो OCA की जो पन्नी होती है पतले वाली, उससे हम इसके बैक पैनल को उतारेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपका प्यार आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी रोज़ाना नई वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बैक पैनल को धीरे धीरे उतार रहे हैं और बैक पैनल उतारने के बाद फ़ोन के सारे स्क्रू खोल लेंगे। जो मिडल है इसका, मिडल को निकालेंगे। मिडल को निकालने के बाद इसके जो पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को एक साइड निकाल के रख देंगे, जिससे कि हमारे किसी भी पार्ट में कोई नुकसान ना हो और हम उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर काम करेंगे। रोलर से हम इसकी जो ग्लू है बैक पैनल की, उसको साफ़ करेंगे। अभी हम इसके स्क्रू सारे खोल लेते हैं। सारे खोल के इसके जो मिडल है उसको निकालेंगे। मिडल निकालने के बाद इसके जो सारे पार्ट्स हैं उनको डिसेंबल करेंगे। सारे पार्ट्स को डिसेंबल करने के बाद हम डिस्प्ले को हीट करेंगे। हीट करके डिस्प्ले को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहें। तो ये इसका फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट को हम हटा लेंगे। तो दोस्तों, ये इसका फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट हटाने के बाद हम इसकी जो बैटरी है इसको निकालेंगे। बैटरी निकालने के बाद इसकी जो नीचे पन्नी होती है इसको हटा के डिस्प्ले का जो फ्लैक्स है उसको निकालेंगे। डिस्प्ले का फ्लैक्स निकालने के बाद डिस्प्ले को हम इसके ऊपर हीटिंग प्रेस के ऊपर रखेंगे। हीटिंग प्रेस का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे दोस्तों डिस्प्ले को हम बीच बीच में हीट करते रहेंगे और डिस्प्ले की जो साइड की ग्लू है उसकी कटिंग करेंगे। 90 डिग्री पे इसको हीट करके डिस्प्ले को साइड से धीरे धीरे लूज़ करेंगे। डिस्प्ले को लूज़ करने के बाद डिस्प्ले को हम बाहर निकाल लेंगे। डिस्प्ले को बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसकी हम ग्लास की कटिंग करेंगे। तो अभी हम ये ब्लेड ले लेते हैं। ब्लेड से साइड साइड से डिस्प्ले को पहले थोड़ा लूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम ब्लेड से धीरे धीरे डिस्प्ले को लूज़ कर रहे हैं। डिस्प्ले को लूज़ करने के बाद चारों तरफ से, उसके बाद हम डिस्प्ले को बाहर निकाल लेंगे। डिस्प्ले को हीट करना है बीच बीच में। डिस्प्ले को हम हीट कर रहे हैं धीरे धीरे बीच बीच में। हीट करने के बाद हम ये जो बारीक स्क्रीन गार्ड वाली पन्नी जो होती है उसको डिस्प्ले के पीछे डालेंगे। पीछे डालने के बाद इसको डिस्प्ले को धीरे धीरे निकालेंगे और बीच बीच में जो ये फ्लेक्सो लिक्विड है इसको हम यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें लगा के, और उंगली से इसको साइड में ऐसे लगाना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इससे जो डिस्प्ले है थोड़ा आसान हो जाता है निकालना। डिस्प्ले को हम बीच बीच में हीट करेंगे, जिससे कि हमारी डिस्प्ले थोड़ा आसानी से निकल जाए।
तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है या कोई डिस्कशन है तो आप वहाँ पर भी हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने डिस्प्ले की तीन साइड को फ्री कर लिया है, ऊपर नीचे से और राइट साइड से। लेफ़्ट साइड से हम डिस्प्ले को खोल लेंगे ऐसे थोड़ा सा गर्म करके, क्योंकि उस साइड से हमारा ग्लास का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा साबुत है, तो उसको हम कटिंग नहीं करेंगे। उसको हम ऐसे खोल के ब्लेड से जो इसकी पेस्टिंग है उसको कट कर लेंगे, तो इससे हमारी डिस्प्ले थोड़ा आसानी से निकल जाएगी। और डिस्प्ले को निकालने के बाद इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे, जिससे कि जो ग्लास का जो पार्ट्स है, जो बारीक बारीक ग्लास के पार्ट्स है, वो एक जगह चिपके रहे और सेपरेटर पे इसकी पकड़ थोड़ा अच्छी हो जाए। तो अभी हम सेपरेटर के ऊपर इसको रखेंगे और जो इसका ये फ्लैक्स है डिस्प्ले का, उसको खोल लेंगे। डिस्प्ले के फ्लैक्स को खोलने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए दोस्तों इसमें हम जो वायर यूज़ करते हैं वो करते हैं 0.02 mm, 0.002 mm। तो इसकी कटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं डिस्प्ले को निकाल कर और डिस्प्ले को चलाकर कि हमारी डिस्प्ले की कटिंग कैसी हुई है, हमारी डिस्प्ले सही है या नहीं है, सही निकली है या नहीं निकली है, वो आपको दिखाएंगे। तो डिस्प्ले की हम अभी कटिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो डिस्प्ले की कटिंग हमें थोड़ा धीरे करनी होती है, इसमें ज़्यादा स्पीड से हम हाथ नहीं चलाते इसके अंदर। वीडियो हमने थोड़ा फास्ट करके दिखाई है आपको। तो हमारी डिस्प्ले निकल चुकी है, ग्लास हमारा सेपरेट हो चुका है। अभी हम डिस्प्ले की टेस्टिंग करेंगे कि हमारी डिस्प्ले सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये इसका ग्लास है जो हमने सेपरेट किया है गर्म करके, और ये इसका फ्रेश ग्लास है, ओरिजिनल ग्लास है इसका हमारे पास, रियलमी नार्जो 30। इसमें आप रियलमी 6 का भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ग्लास है, रियलमी नार्जो 30 और रियलमी 6 और ओप्पो A53। ये दो तीन मॉडल है जो एक ही ग्लास इनके अंदर होते हैं, सेम ही ग्लास होते हैं बिल्कुल। तो जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। अब इसकी थोड़ा सा टच वगैरह चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टच भी ओके है, हमारी डिस्प्ले भी ओके है, कोई लाइन स्पॉट डिस्प्ले के अंदर नहीं आई है। अभी हम डिस्प्ले की क्लीनिंग करेंगे। डिस्प्ले की क्लीनिंग करने के लिए हम जो इसके ऊपर बारीक बारीक जो कांच के पार्ट्स है उसको हम पहले साफ़ कर लेंगे लिक्विड से। ग्लू क्लीनर भी हो सकता है और कोई थिनर भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन पे लगा के। बारीक बारीक जो पार्ट्स होते हैं कांच के, उसको हमें पहले साफ़ करना है। उसको साफ़ करके हम रोलर से जो है इसकी डिस्प्ले की क्लीनिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले की क्लीनिंग काफ़ी आराम से हमारी हो पा रही है। जो हमने पहले इसके बारीक पार्ट्स, ग्लास के जो पार्ट्स थे, उनको साफ़ किया है ताकि डिस्प्ले पे हमारी कोई स्क्रैच ना आए, कोई निशान ना आए। और इसको हीटिंग प्रेस के ऊपर रख के हम इसके ग्लू को साफ़ कर रहे हैं रोलर की मदद से। तो इसमें जो प्रेस का टेम्परेचर है वो थोड़ा हमें कम रखना होता है। इसमें टेम्परेचर हम 50 से 60 डिग्री रखते हैं ग्लू क्लीनिंग के लिए, जिससे कि हमारा रिफ्लेक्टर ना खुले, रिफ्लेक्टर पर हीट ना लगे। उसके बाद हम इसको फैल्कन 530 या जो फैल्कन का ग्लू क्लीनर आता है उससे हम इसको साफ़ कर लेंगे। डिस्प्ले को साफ़ करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह, उसके बाद इसका जो ये कैमरा होल है उसको साफ़ करेंगे। कैमरे होल में कोई डस्ट ना रहे, कोई ग्लू के पार्ट्स चिपके ना हो, या कैमरे होल के अंदर कोई ग्लू ना चिपका हो जिससे कि कैमरा हमारा अनक्लियर हो। तो हम सबसे पहले कैमरे होल को भी साफ़ करेंगे, जिससे कि हमारी कैमरे की फिनिशिंग अच्छी आए।
तो डिस्प्ले हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। अभी हम कैमरे होल को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। इसको बिल्कुल साफ़ करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरा होल हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर यूवी ग्लू यूज़ करेंगे। अभी हम फिलहाल ग्लास के ऊपर ओसी लगा लेते हैं। तो दोस्तों कैमरे के होल में यूवी ग्लू इसलिए लगाया जाता है ताकि कैमरे के होल में हमारा जो है बबल ना बने और कैमरा हमारा अनक्लियर ना हो, इसलिए हम यूवी ग्लू का इसके अंदर यूज़ करते हैं और बाद में इसको सुखा लेते हैं यूवी लाइट की सहायता से। वेस्ट जो ओसी है साइड की जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेंगे। उसको कटिंग करने के बाद डिस्प्ले को हम फ्रेम के अंदर रख के और जो कैमरा होल है उस पर हल्का सा यूवी ग्लू का डॉट लगाएंगे, बहुत कम, जितना कि उसमें जगह है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें नहीं लगानी है। उसके बाद हम फ्रेमिंग करेंगे इसकी ग्लास के साथ और ग्लास को डिस्प्ले के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा ग्लास डिस्प्ले के ऊपर लग चुका है। तो दोस्तों अब हम डिस्प्ले को वैक्यूम लैमिनेशन मशीन के अंदर रखेंगे डिस्प्ले और ग्लास की लैमिनेशन करने के लिए। दोस्तों मशीन की सेटिंग हम वही रखते हैं नॉर्मल जो फ्लैट एलसीडी के लिए यूज़ होती है। और अभी हम इसकी प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग करके आपको इसकी जो पंचिंग हुई है डिस्प्ले की वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह की हमारी पंचिंग हुई है और कैमरा होल जो हमारा है कैमरे का जो पोर्शन है वो कितना क्लियर आता है वो आपको दिखाएंगे। उसमें एक दो बबल भी रह सकते हैं तो वो बबल रिमूवर के अंदर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी प्रेसिंग जो है वो हो चुकी है। अभी हम आपको डिस्प्ले निकाल के दिखाएंगे कि प्रेसिंग हमारी किस तरह से हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी प्रेसिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छी प्रेसिंग हुई है। अभी हम डिस्प्ले चेक करेंगे प्रेसिंग करने के बाद, कोई डिस्प्ले में दिक्कत तो नहीं आई है प्रेसिंग के टाइम। तो अभी हम डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हमारी जो ये डिस्प्ले है बिल्कुल ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कैमरा भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल इसमें फिनिशिंग आई है, ओरिजिनल ग्लास लगाया, ओरिजिनल इसकी फिटिंग होने वाली है, आपको दिखाएंगे इसकी फिटिंग करके। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हमारी अगली जो वीडियो आएगी वो पिक्सल 4a की आएगी, तो वो भी आप ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना जिससे कि आपका प्यार आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया है। तो अभी हम इसकी डिस्प्ले को निकाल कर इसको हम बबल रिमूवर के अंदर रखने वाले हैं 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए हम बबल रिमूवर के अंदर इसको रखते हैं जिससे कि इसके बबल सारे निकल जाए। सारे बबल निकालने के बाद दोस्तों हम डिस्प्ले की फिटिंग करेंगे। तो फ्रेम को हमने पहले साफ़ कर लिया है, बिल्कुल क्लियर फ्रेम को कर लेना है। उसके बाद हम इसमें जो है सिलिकॉन बॉन्ड लगाते हैं। सिलिकॉन बॉन्ड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी फिटिंग डिस्प्ले की अच्छी हो और दोबारा जो बनाने में हमें अगर डिस्प्ले का कोई काम करना है दोबारा उसमें हमारा काम आसानी से हो जाए। तो इसलिए इसके अंदर जो सिलिकॉन बॉन्ड है जो ऑलमोस्ट सभी फ़ोनों के अंदर कंपनी से लगा आता है वही ये बॉन्ड होता है सिलिकॉन बॉन्ड, वही यूज़ हम करते हैं इसके अंदर। तो उसके साथ हम इसकी फिटिंग करेंगे। फटाफट से सारे इसके कनेक्शन कर लेते हैं फ़ोन के। कनेक्शन करने के बाद बैटरी वगैरह सब लगाएंगे। तो दोस्तों हम इसमें बैटरी जो है सबसे बैटरी का जो कनेक्शन है वो सबसे बाद में करते हैं जिससे कि फ़ोन के अंदर अगर हम कोई कनेक्शन कर रहे हैं तो कोई एरर ना आए, कोई फॉल्ट ना आए। तो अभी हम इसमें एंटीना वायर इसमें थोड़ा लगा लेते हैं। एंटीना वायर लगाने के बाद हम इसमें बैटरी को रख लेते हैं। बैटरी का हमें अभी कनेक्शन नहीं करना होता। अभी हम इसमें सारे कनेक्शन करने के बाद जो बोर्ड का स्क्रू वगैरह है सब लगा लेंगे। उसके बाद
हम इसके अंदर फिंगरप्रिंट लगाएंगे। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद ये जो मिडल है इसका, ये इसको फिट कर लेंगे। बैटरी हमने लगा दी है, कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद इसमें हम सारे स्क्रू को टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसके पीछे हम सिलिकॉन बॉन्ड यूज़ करके बैक पैनल को चिपका देंगे। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी से इस वीडियो का हेल्प मिल जाए या किसी को इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, हमारी फिटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है डिस्प्ले की। पूरा फ़ोन हमारा पैक हो चुका है, 100% जेन्युइन इसमें फिटिंग है, 100% फिनिशिंग है, कोई इसमें बबल्स वगैरह नहीं आते। और अगर एक बार सक्सेसफुली ग्लास चेंज हो जाता है तो डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्लास चेंज होने के टाइम पे ही आ जाती है। ग्लास चेंज होने के बाद कभी डिस्प्ले में कोई फॉल्ट नहीं आता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे पास अपने फ़ोन का ग्लास रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो आप हमें कोरियर के थ्रू अपना मोबाइल हमारे पास भेज सकते हैं। कोरियर पर मोबाइल भेजने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी।